आज 18 तारीख पिहोवा चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया, जिसमें शिवसेना के कार्यकर्ताओं को चीन पर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि जो हमारे सैनिक मारे गए हैं चीन ने उनको धोखे से मारा है और चीन ने भारत की जो पीठ पर खंजर मारा है उसको हम भुला नहीं पाएंगे और हम चीन का बहिष्कार करते हैं और चीन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे और सरकार से विनती करते हैं कि इन शहीदों की शहादत को हम भूल नहीं सकते और इन शहीदों की शहादत का खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि चीन ने भारत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, जिसके चलते उनसे कोई भी दोस्ती का रिश्ता नहीं निभाएंगे। सरकार से भी यह विनती करते हैं कि अब दोस्ती नहीं। सेना के नेतृत्व में सभी सामाजिक संगठनों द्वारा रल मिल के चीन ने जो दुस्साहस किया है भारतीय जवानों के ऊपर, जो अचानक हमला किया गया जिससे कुछ सैनिक मारे गए हैं, उनके विरोध में आज हमने यह पुतला फूंका है और सरकार को भी जताया है कि यारी दोस्ती छोड़ो और भारतीय सेना को खुले हाथ दो ताकि वो दो हाथ चीन के साथ कर सकें। और दूसरी ओर जो चीन का जो माल हिंदुस्तान के अंदर एक मंडी बनी हुई है, लोगों से अपील करते हैं कि उस माल को रिजेक्ट करना शुरू करें, बगैर चीन के माल के जो अपना माल है उसको बेचें, उसको आगे प्रोग्रेस में दें ताकि जो चीन की आर्थिक स्थिति है वो खराब हो और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो।